देखिए आपको जो क्वेश्चन दे दिया है ये सीरीज का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? सीरीज का। आप तो पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके। पहला सवाल दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। ये सवाल है बी ई आई एन, खाली जगह है, खाली जगह कौन सा अंग हुआ? इसका ऑप्शन दिया हुआ, इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया है ओ, सेकंड ऑप्शन है एस, थर्ड ऑप्शन है टी, फोर्थ ऑप्शन यू। कोई दिक्कत? ऐसा सवाल तो इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा। तो ऐसा सवाल हमको कभी बनाने का मौका मिले तो हमेशा आपको याद करवा चुके हैं पोजिशन अल्फाबेटा क्या पोजीशन। हमको इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, सिर्फ पोजीशन लिख लीजिए। पोजीशन जैसे लिखेगा आपका दिमाग अपने आप खटाक से लगेगा। आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बी होता है दो पे, ई होता है पांच पे, नौ पे, चौदह। इस खाली जगह क्या है? खाली जगह है। आप लोग बताइए ध्यान से, खटाक से बोलिएगा, दो में कितना जोड़े तो पांच आया, जोड़ते या घटाते कुछ तो एक जोड़ के पहले देखते हैं होता है कि नहीं। दो में हम तीन जोड़े हैं, कितना है? पांचवा। पांच में कितना जोड़े नौ का? चार। नौ में कितना जोड़े हैं? पांच। हम चौदह में कितना जोड़े थे? सोलह, चौदह छः बीस। तब बीस पे कौन सा अंग आता है? टी आता है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप बताइए ध्यान से। अब सेकेंड सवाल है, सेकेंड सवाल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेकेंड सवाल है डी है एच है एल है आर है, खाली जगह क्या है? खाली जगह है। आगे यहाँ पे दिया हमें क्या कुछ कुछ देखना है? नहीं देखना है हमें, ओनली देखना है ई पोजीशन। क्या देखना है? पोजीशन। डी का कितना पे? चार, आठ, सोलह। आप बताइए ध्यान से, चार में ये आठ लाने के लिए क्या करेंगे? पहले देखते हैं चार से, मतलब जोड़ जोड़ के देखते हैं पहले। चार प्लस चार कितना? आठ प्लस चार कितना? बारह। चार बारह चार सोलह है ना? क्या जोड़ने से होगा कुछ? तो जोड़ने से होगा। आप बताइए, ये बताइए ध्यान से, चार में चार जोड़े, आठ में चार जोड़े, जोड़े कि नहीं? लेकिन यहाँ सोलह बारह में कितना? अठारह हो जाता है। तो इसको कैसे कीजिएगा बताइए ध्यान से। तो गुना करके देते हैं, कितना गुना करके बताइए? चलिए चार में दो से गुना किए, बताइए आगे बोलिए। तो चार में आठ से दो से गुना सोलह हो जाता ना? खड़ा के बताइए, आप घटा के बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बताइए। हाँ चार जोड़ेंगे, हाँ चार जोड़ेंगे, छः जोड़ेंगे, छः जोड़ेंगे। तो आप ये करके देखते हैं, अठारह सौ कितना होता है? अठारह सौ चौबीस होता है कि नहीं? तो चौबीस में कौन सा लेटर आता है? अरे एक आता है कि नहीं? तो एक है इसमें, खड़ा चो कोई दिक्कत नहीं। इसमें प्लस चार जोड़े हैं, इसमें कितना जोड़े हैं? चार। दो बार लगातार चार चार जोड़े हैं या दो बार छः से जोड़ेंगे, दो बार आठ आठ जोड़ेंगे, आगे रहता तो कोई दिक्कत। समझ में आया बाबू? हमें कोई भी रीजनिंग का मतलब होता है मानसिक क्षमता, आपका दिमाग कितना जल्दी लगता है, गुना कीजिए भाग कीजिए कितना जल्दी की। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ये बात इस क्वेश्चन समझ में आया? आप देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एक सौ का। अब तीन का सवाल है, अब कितना सवाल है? तीन का। अब पहला सवाल है ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, एफ दिया है, जे दिया है, आगे आगे अंक दिया है यू दिया है, आगे अंक दिया है बी दिया है, आगे क्या अंक दिया है? बी। इस क्वेश्चन समझिए, ए कितना पे होता है, सी कितना पे है, कितना पे, कितना पे, आगे बताए हमको नहीं पता। यू कितना पे होता है? आगे कितना पे? दो पे। आप इसमें दिमाग लगाइए कैसे कीजिएगा, आप बताइए यहाँ पे बताइएगा। ऐसा सवाल में हम ऐसा कर सकते हैं, हम सबसे पहले जोड़ के देखते हैं एक में ब्लू है कि नहीं पेन है। आप बताइए सबसे पहले हम जोड़ के देखते हैं, एक प्लस दो तीन होता है कि नहीं? तीन प्लस तीन कितना हुआ? छः। छः प्लस चार दस, दस प्लस पाँच कितना? पंद्रह होता है कि नहीं? चलो पंद्रह, ये मेन हो जाता, पंद्रह नीचे लिख देता हूँ। पंद्रह प्लस छः कितना होता है? इक्कीस प्लस सात होता है, क्या होता है? सात। और इक्कीस सात क्या गो बता नो, इक्कीस में सात अट्ठाईस होता है कि नहीं? तो इसके लिए चिंता मत कीजिए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। हम ये वो चक्का बना देते हैं, वो क्या बना देते हैं? चक्का बना देते हैं। आप बताइए यहाँ पे चक्का में हम लिख दिए ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए, डी लिख दिए, ऐसे लिखते 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 यहाँ
जेड लिख दिया, क्या लिख दिया जेड, क्या लिख दिया जेड। अब इस चक्का में हम ए से चालू किया, जेड आया, अब जेड के बाद कौन सा अंग आएगा, ए आएगा कि नहीं, जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे का जेड, फिर से ए आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या, एनी प्रॉब्लम? आप बाबू बता रहे हैं यहाँ पे ए कितना में आता है, एक पे दो पे तीन पे चार पे होते होते यहाँ 26 पे, अब जेड के बाद फिर से ए आया कि नहीं, तो ये कितना 27 पे 28 पे 29 पे ऐसे होते होते फिर से जेड होता कि नहीं, फिर से ए आता कि नहीं, आप बताइए। अब बी कितना पाया है, 28 ये बताइए 28 आंसर है, अरे बी तो 28 आता है कि नहीं, तो मेरा आंसर भी 28 ना आया, तो हम जो प्रोसेस किए है सही किए कि गलती किए है, हम क्या किए, पहले दो जोड़ दिए, इस अंग में कितना जोड़ दिए, कितना जोड़ दिए इस अंग में, कितना जोड़ दिए इसमें 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 इसमें, कोई दिक्कत है क्या, आप बताइए ध्यान से। अब इसका आंसर 15 पे क्या होता है, ओ आता है कि नहीं, तो ओ है इसमें, बना कि नहीं, एनी प्रॉब्लम? आप बताइए, ये तो बन गया, जो जो बन जाता है बना लेगी, मिटा दूँ? आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप खुद जवाब दीजिएगा यहाँ पे, ए बाबू यहाँ पे आगे ध्यान दीजिए, हमको कोई भी है खड़ा के पहले क्या लिखेंगे, एक दो सात, आगे क्या होगा आप बताइए ध्यान से। अब हम इसमें मान लीजिए हम पहले एक जोड़ते हैं, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार जोड़ सकते हैं कि नहीं, अरे हम रीजनिंग बना रहे हैं, इसमें आपको जैसा बुद्धि लगा, पहले एक जोड़े, एक का सूत्र दो हुआ, दो का सूत्र तीन, तीन का चार, आप बताए एक में एक जोड़े कितना दो आया, दो में दो जोड़े कितना आया, चार में तीन जोड़े कितना आया, सात में चार जोड़े कितना आएगा, ग्यारह। आप बताइए 11 पे कौन सा लेटर आता है, कौन सा आता है, के कौन सा है, हल्का की भारी है, अरे हल्का की भारी है, बहुत हार्ड है क्या, आप बताइए। आप आए थे, आप इसका सवाल देखिए, इसको मिटा दे, बन जाएगा ना, घर से बना के लाइएगा, अभी उतारना नहीं है, अभी घर पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा आपको पहला एक सवाल तो उतरा दिए थे, आप बताइए यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है, फटाफट बताइए, एक आप देखो ध्यान से, अब करना क्या है, हम जोड़ के देखते हैं आता है कि नहीं, छः सात पाँच चार, इसमें अब क्या हो रहा है, पहले छो एक घटा है, एक घटा है, अब कितना घटेगा, आप बताइए, अब क्या गो, आप बताइए 16 में तीन जोड़े तो ना 19 आया, तब पहले 6 जोड़े, उसके बाद 5 जोड़े, उसके बाद 4 जोड़े, उसके बाद 3 जोड़े, उसके बाद 2, 19 में 2 जोड़े कितना होगा, 21 पे क्या आता है, हल्का की भारी है, बहुत हार्ड है क्या, हल्का है कि नहीं, उतारिए इसको अच्छे से, उतारिए घर तो ना कराइए पूरा होमवर्क।